अभी मैं शेरवानों की तरफ से आ रही हूँ। कोई आया हुआ था वहाँ उनके घर पर, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? उस राज अंकल के कोई जानने वाले थे ना, उनको आना था। अरे भाई वो आर्यन खान था, वो एक्टर नहीं है? अब ये बताओ मुझे कि एक अदाकार की शिराज भाई से क्या दोस्ती होगी? हाँ प्लीज बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना तुम, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ। शहरी और आर्यन एक इवेंट पर मिले और शिराज अंकल के डिनर आर्यन आएगा, ये भी मुझे बताया था शहरी। मुझे ना इन दोनों की दोस्ती कुछ अच्छी नहीं लगी। नहीं देखिए फ्रेंड मेरी बात सुन, अब तो ये है कि शहरी और आर्यन के बीच में कोई दोस्ती वाली बात है नहीं, वो एक फैन और स्टार का रिलेशनशिप। शहरी एक्चुअली आर्यन को बहुत पसंद करती है, उसकी छोटी से छोटी बात भी होती है ना वो मेरे साथ शेयर करते हैं, बल्कि एक यूट्यूब शॉर्ट भी होते हैं ना वो भी मुझे दिखाते हैं, सब कुछ पता ही होता है। लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। मैं सिर्फ एक लड़के के डर की वजह से पाकिस्तान आकर शहरी के साथ निकाह नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ आकर इस तरह से निकाह कर लेता हूँ तो इसमें किसका कसूर होगा? किसकी इंसल्ट होगी, शहरी की या मेरी? इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है, सारी दुनिया निकाह करती है ना। किसी के साथ चाय कॉफी पी लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि शेरी एक मिनट मेरी जरा तुम बात सुनो। मैं अपने दिल की बात किसी पर रखकर नहीं कर रहा हूँ, अम्मी ने वाकई मुझसे ये सब डिस्कस किया था। तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है नायर? इतना ट्रस्ट है कि आर्यन के बारे में जो भी बात थी मैंने तुमसे साफ साफ कह दी। और मोहब्बत कितनी करते हो मुझसे नायर? दुनिया में कोई ऐसा गेज कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो मेरे और तुम्हारे बीच की मोहब्बत को नाप सके। मैं आर्यन तो क्या कभी किसी को पलट कर बिना देखो। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।